हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिस इनइक्वालिटी। ओके, सो उसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। ओके, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, एंड बहुत ईजी है इसका प्रूफ। ओके, सो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में क्या है। ये जो सेट है वो क्या कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अभी ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। ओके, लेकिन अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। ओके, देखो ऑर्थोनॉर्मल सेट इज द सेट ऑफ वेक्टर्स वी आर इन वी। ओके, इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज इन ए प्रोडक्ट ऑफ वी आई कॉमा वी जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, and second one is inner product of vi comma vj is equal to 1 for I is equal to j। means अगर ये variables same नहीं होंगे, means if they are not equal then ये inner product की value क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी। and if these variables are equal, okay, then ये inner product की value क्या मिलेंगी, हमें 1 मिलेंगी। okay, so इन दोनों conditions को combinedly ऐसे भी लिखते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई विथ वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे डेल्टा आई जे एक फंक्शन रहता है जिसकी वैल्यू जीरो रहती है फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, एंड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे। ओके, सो ये जो सेट है ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। मीन्स ये जो वैक्टर्स है वो क्या सेटिस्फाई करते हैं, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, सिग्मा आई वेड इज फ्रॉम 1 टू n और समेशन आई वेड इज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा वी स्क्वायर लेस ओ इक्वल टू नॉम वी स्क्वायर फॉर एनी वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ओके, सो प्रूफ में देखो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, जो दिया गया है वही लिखेंगे पहले। लेट द सेट कंटेनिंग डब्ल्यू वन अप टू सो ऑन डब्ल्यू एम इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन वी। ओके, मीन्स ये जो वैक्टर्स होंगे वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, ये दो कंडीशंस। ओके, जैसे मैंने बताया, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा डब्ल्यू जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे। मीन्स अगर आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं होंगी तब इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें जीरो मिलेंगी। एंड जब आई की वैल्यू जे के इक्वल होंगी तब इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। ओके, सो अभी ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम डिनोट कर रहे हैं ए आई विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट। ओके, सो आप ये याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे जो ब्रैक ये मॉड में जो ये है इनर प्रोडक्ट उसको हम क्या सपोज करेंगे, ए आई, लेकिन उसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड्स। सो क्या मिलेगा, ए आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट एंड अगेन इट्स कॉन्जुगेट। ओके, पहले तो कॉन्जुगेट था लेकिन हम फिर से कॉन्जुगेट ले रहे हैं, सो फिर से एक कॉन्जुगेट की साइन आ जाएंगी विच इज बार। ओके, सो दिस इम्प्लाइज डैट ए आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा वी। देखो हमने डबल कॉन्जुगेट लिया यहाँ पे, मीन्स डबल कॉन्जुगेट है ना यहाँ पे, सो वही मिलता है। देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज 3 प्लस 2y, इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, 3 माइनस 2y, एंड फिर से हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं सो क्या मिलेगा, 3 प्लस 2y। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो बार कॉन्जुगेट लिया सो वही मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे वही इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो बार कॉन्जुगेट है। ओके, सो हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड यू इज इक्वल टू वी माइनस समेशन आई वेड इज फ्रॉम 1 टू एम ए आई डब्ल्यू आई। ओके, सो हमने एक u की वैल्यू सपोज की है यहाँ पे। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो देखो क्या सपोज किया, v माइनस समेशन i कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 से m तक। ओके, ए आई डब्ल्यू आई,
एंड इसी वैल्यू को हमने देखो कैसे लिखा फिर नेक्स्ट स्टेप में v माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू m. यहाँ पे i वेरी हो रहा था फ्रॉम 1 टू m, यहाँ पे j वेरी हो रहा है फ्रॉम 1 टू m a j w j. ओके सो अभी हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u क्या रहता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ये कहाँ से लिखा हमने, दिस इज फ्रॉम सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट. ओके सो अभी u की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे. ओके पहले प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली. ओके सो v माइनस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए आर डब्ल्यू आई एंड सेकेंड प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख देंगे. ओके सो v माइनस समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए आई ए आर नहीं चाहिए ए जे डब्ल्यू जे. ओके सो अभी यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके देखो v कॉमा v ओके माइनस फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके सो क्या मिलेगा, माइनस v कॉमा ये समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए जे डब्ल्यू जे. ओके अभी ये तो हो गया इन दोनों के साथ, अभी ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सो माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए आर डब्ल्यू आई कॉमा v. ओके एंड अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सो यहाँ पे माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. ओके इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए आर डब्ल्यू आई कॉमा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए जे डब्ल्यू जे. ओके दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ओके सो अभी देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म v स्क्वायर. ओके एंड माइनस साइन वैसे के वैसे. एंड अभी ये जो है ये क्या है, स्केलर है. सो हम इसको अभी बाहर लेके आ जाएंगे. सो ये जो है स्केलर ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट है. मींस ये क्या है, फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज सेकंड प्लेस. सो ये जो स्केलर है दिस इज प्रेजेंट एट सेकंड प्लेस. सो ये जब बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कॉन्जुगेट के फॉर्म में निकलेगा. ओके सो माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए जे कॉन्जुगेट बन जाएगा. ओके और फिर बचेगा क्या, इनर प्रोडक्ट v कॉमा डब्ल्यू जे, v कॉमा डब्ल्यू जे. ओके और फिर माइनस यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वाला स्केलर है. सो इसको बाहर लेके आ जाएंगे. ओके और यहाँ पे क्या बन जाएगा, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए आई. यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लगेगा, जब स्केलर प्रेजेंट रहता है एट सेकंड प्लेस देन ओनली इट बिकम्स कॉन्जुगेट. ओके यहाँ पे ये जो स्केलर है वो फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है सो वो कॉन्जुगेट के फॉर्म में नहीं आएगा बाहर, ऐसे ही आ जाएगा. ओके इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आर कॉमा वी. ओके प्लस अभी देखो ये वाला स्केलर है एंड यहाँ पे ये वाला स्केलर है. ओके सो इसको बाहर लेके आ जाएंगे सो वो वैसे के वैसे ही बाहर आ जाएगा. ओके लेकिन अभी ये वाला बाहर लेके आ जाएंगे सो वो किस फॉर्म में आएगा, कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द सेकेंड प्लेस. ओके देयरफॉर समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए जे कॉन्जुगेट. ओके इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा डब्ल्यू जे, डब्ल्यू आई कॉमा ये वाला डब्ल्यू जे. ओके दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ओके सो यहाँ पे हमने बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी मीन्स ये जो मैंने बताया आपको कि ये स्केलर कैसे निकलता है बाहर, वो क्या है, प्रॉपर्टी रहती है. ओके सो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नॉर्म वी स्क्वायर वैसे के वैसे. ओके माइनस समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए जे कॉन्जुगेट एंड अभी ये जो इनर प्रोडक्ट है v कॉमा डब्ल्यू जे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू जे कॉमा v इट्स कॉन्जुगेट. ओके ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, आई वन प्रॉपर्टी विच इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट. ओके माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए आई, अभी ये जो है वो किसकी वैल्यू है, इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा v. देखो इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू आई कॉमा v किसकी है, ए आई कॉन्जुगेट की वैल्यू है. ओके सो हमने इसके जगह पे ए आई कॉन्जुगेट लिख लिया है यहाँ पे. ओके प्लस समेशन ये वैसे के वैसे. ओके इनटू समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए जे कॉन्जुगेट
अभी इसके जगह पे इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमन डब्ल्यू जे के जगह पे हमने क्या लिखा, डेल्टा आई जे. ओके, क्योंकि ये जो वेक्टर्स रहते हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ये देखो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड सो ऑन डब्ल्यू एम, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है. ओके, सो ये क्या करते हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जो मैंने बताया आपको, ये वाली. ओके, एंड दिस टू कंडीशंस कैन बी कंबाइंडली रिटन इन दिस वे, डेल्टा आई जे के फॉर्म में. ओके, सो वो ही लिखा है हमने यहाँ पे, डब्ल्यू आई कॉमन डब्ल्यू जे, इनका इनर प्रोडक्ट की वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे, डेल्टा आई जे. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप देखो क्या लिखा है, नॉर्म वी स्क्वायर माइनस समीशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए जे कॉन्जुगेट इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू जे कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट. ओके, माइनस समीशन एवरेज फ्रॉम वन टू एम ए आई इंटू ए आई कॉन्जुगेट प्लस समीशन एवरेज फ्रॉम वन टू एम ए आई. ओके, अभी इसकी जो वैल्यू है मीन्स समीशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए जे कॉन्जुगेट इंटू डेल्टा आई जे. देखो डेल्टा आई जे की वैल्यू होती है ज़ीरो अगर आई जे के बराबर नहीं होता है. ओके, एंड उसकी वैल्यू रहती है वन अगर आई इज इक्वल टू जे रहता है. ओके, सो अभी देखो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे. ओके, पहले आई इज नॉट इक्वल टू जे लेंगे. ओके, सो आई अगर जे के बराबर नहीं है देन क्या हो जाएगा, समीशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ओके ए जे कॉन्जुगेट. ओके, अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं आई नॉट इक्वल टू जे, सो डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या मिलेंगी, ज़ीरो मिलेंगी. सो यहाँ पे ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, ज़ीरो. ओके, एंड अगर हम इस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं आई इज इक्वल टू जे, फॉर आई इज इक्वल टू जे समीशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए जे कॉन्जुगेट इंटू डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या निकलेंगी, आई की वैल्यू हम जे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे सो क्या मिलेगा, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम ओके ए आई कॉन्जुगेट ओके इंटू डेल्टा आई आई मिलेगा. ओके, जे की जगह पे हमने आई रख दिया यहाँ पे, सो फॉर आई इज इक्वल टू जे डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है. ओके, सो इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, वन होंगी, वन. ओके, सो आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए आई कॉन्जुगेट इंटू वन मिलेगा. ओके, सो देखो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे देन इसकी वैल्यू क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है. एंड इफ आई इज इक्वल टू जे देन इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए आई कॉन्जुगेट बन जाएगा, जे के जगह पे हमने आई रख दिया यहाँ पे, इंटू डेल्टा आई जे वैसे के वैसे लिख दिया. ओके, विच इज इक्वल टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए आई कॉन्जुगेट एंड फॉर आई इज इक्वल टू जे डेल्टा आई जे की वैल्यू वन रहती है इसलिए हमने यहाँ पे वन लिखा. सो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, समीशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए आई कॉन्जुगेट. ओके, सो इसके जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए आई कॉन्जुगेट, फिर से सबमिशन नहीं दिया साइन ये जो है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी है दो दो साइन लेके हम क्या करेंगे, दो दो सबमिशन की साइन जो कि सेम है. सो हमने यहाँ पे सबमिशन की साइन नहीं दी, जस्ट डायरेक्टली हमने ए आई कॉन्जुगेट लिख दिया. ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में, नॉर्म वी स्क्वायर माइनस समीशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए जे कॉन्जुगेट इंटू यहाँ पे क्या लिखा है, ए जे इसके जगह पे. अभी देखो ये कैसे लिखा, देखो ए आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इन प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट. ओके, सो यहाँ पे आई के जगह पे अगर हम जे पुट करेंगे सो क्या मिलेंगी, ए जे की वैल्यू इन प्रोडक्ट डब्ल्यू जे कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या था, इन प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू जे कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट था, सो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए जे. सो वो ही लिखा है हमने. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप, नॉर्म वी स्क्वायर माइनस समीशन,
अभी देखो इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, समेशन आर वेड इज फ्रॉम 1 to m ए आर इंटू ए आर कॉन्जुगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो अब ये कैसे लिखा, सिंस समेशन जे वेड इज फ्रॉम 1 to m ए जे इंटू ए जे कॉन्जुगेट इज इक्वल टू समेशन आर वेड इज फ्रॉम 1 to m ए आर इंटू ए आर कॉन्जुगेट। यहाँ पे देखो जे वेरी हो रहा था सो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, आई में कन्वर्ट कर लिया। ओके सो दिस गेट्स कन्वर्ट इनटू समिशन आई वेड इज फ्रॉम 1 to m ए आई इंटू ए आई कॉन्जुगेट। ओके क्योंकि हमने ये देखो ये क्यों किया, बिकॉज ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें आई वेरी हो रहा है सो हमें आई के फॉर्म में चाहिए था, मीन्स जहाँ पे आई वेरी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा था, जे वेरी हो रहा है फ्रॉम 1 to m सो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इंटू आई। ओके सो अभी देखो नॉर्म वी स्क्वायर, अब ये यहाँ पे चले जाएंगा सो पॉजिटिव बन जाएगा सो इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन आई वेड इज फ्रॉम 1 to m ए आई इंटू ए आई कॉन्जुगेट। ओके सो दिस इम्प्लाइज नॉर्म वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन आई वेड इज फ्रॉम 1 to m मॉड ए आई स्क्वायर। अभी देखो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या रहती है, मॉड जेड स्क्वायर रहती है सो वैसे ही ए आई इंटू ए आई कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, मॉड ए आई स्क्वायर मिलेगा। ओके सो अभी इस इनइक्वालिटी को हम देखो कैसे लिख रहे हैं, ये वाला पहले लिख दिया समेशन एवरेज फ्रॉम 1 to m मॉड ए आई स्क्वायर, ये वाली क्वान्टिटी किससे लेस और इक्वल टू है, ये वाली क्वान्टिटी से सो लेस और इक्वल टू नॉर्म वी स्क्वायर। ओके सो दिस इम्प्लाइज डैट समिशन एवरेज इज फ्रॉम 1 to m अभी ए आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ओके सो देखो ए आई की वैल्यू क्या थी, इन द प्रोडक्ट डब्ल्यू आई कॉमा वी इट्स कॉन्जुगेट सो वही लिख लिया हमने यहाँ पे, स्क्वायर लेस और इक्वल टू नॉर्म वी स्क्वायर। ओके अभी देखो ये जो कॉन्जुगेट की साइन है मॉड में, देखो सिंस मॉड जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, अगर कॉन्जुगेट है अगर मॉड के अंदर तो वो निकल जाता है। ओके सो ये भी कॉन्जुगेट की साइन निकल जाएंगी। ओके सो समिशन आई वेड इज फ्रॉम 1 to m मॉड इन द प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा वी स्क्वायर लेस और इक्वल टू नॉर्म वी स्क्वायर, यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो सिंस मॉड जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। ओके एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ओके सो हमें यही प्रूव करना था। ओके सो लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके देखो हमें यही प्रूव करना था, समिशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m मॉड एन ए प्रोडक्ट डब्ल्यू आई कॉमा वी स्क्वायर लेस और इक्वल टू नॉर्म वी स्क्वायर फॉर एनी वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ओके सो बहुत ईजी है ये थ्योरम, आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके एंड ये जो डिनोट करना है हमें ए आई की वैल्यू वो आपको याद में रखनी पड़ेंगी। ओके एंड ये यू की वैल्यू। ओके एंड ये हमने मल्टीप्लीकेशन किस वे में किया वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिस इनइक्वालिटी। ओके सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।